ये सुकुमित वाले एरिया में ना मसाज सेंटर बहुत है भाई, गली गली में, मतलब एक ही लेन में पांच पांच दस दस मसाज सेंटर बने हुए हैं। सिक्स लेन हमारी तरफ, सिक्स लेन उस तरफ, भाई साहब 12 लेन का हाईवे है। जैसे अपने इंडिया में फास्ट टैग है, यहाँ पे चलता है भाई एम पास या फिर इजी पास। तो हमारे पास तो कोई पास नहीं है, हमें तो ये टोकन, मतलब टोकन का कार्ड दिखाना है और फिर वो हमें अमाउंट बता देंगे, उतना अमाउंट हम पे कर देंगे कैश में। तो हमें भाई राइट जाना है पटाया ताई, जो जो पटाया की मेन सबसे बड़ी वाली ताई जी है, उनके वहाँ पे जा रहे हैं हम फिलहाल, और वहीं पे ही अपना होटल भी है। बताओ, थाईलैंड में हरे रंग की लेजेंडर मिलती है ड्यूल टोन ही रूफ, क्योंकि ब्लैक है पूरी की पूरी एवरेस्ट के पीछे। कब आएगी तू इंडिया भाई साहब? अंदर तो पता नहीं चल रहा था, बाहर आते ही गर्मी है इतनी। थ्री स्टार होटल 1500-1600 में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन देशों में, बट ढूंढ निकाला मैंने, स्मार्ट बॉय। I'm not shooting you, I'm shooting myself. भाई साहब नीचे तो रिसेप्शन वाली दीदी ने बोल दिया वीडियो नहीं बनानी है। भाई साहब देख रहे हो, खेकड़ा मरा पड़ा है यहाँ पे, तो वो जिंदा है मरा हुआ है। देखो वो सीधा चलते जाओगे ना वहाँ पे इंडिया आ जाएगा, वो तुम्हें घुमा के लाऊं। एक मछली पानी में गई, पर ये तो मगरमच्छ है। ये दुनिया बहुत पापी है, मैं वापस जा रहा हूँ। एंड ये रही भाई यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट, वर्ल्ड फेमस वॉकिंग स्ट्रीट। लगाओ ना उनमें भाई, रियल मन वाली फील होती है, मतलब वेट वाइज भी और वैसे। पर भाई साहब इतनी थकान हो गई थी इंडिया से यहाँ आने में कि 7:30 बजे ही सो गया था शायद, यहाँ के 7:30, इंडिया के तो 6 ही बज रहे होंगे। तो आज जल्दी नींद खुल गई सुबह सुबह, तो व्लॉग व्लॉग सब फटाफट से सब कुछ एडिट वेडिट मार के अपलोड पे लगा दिया। शायद हो भी गया होगा अपलोड, क्योंकि 1.5 घंटा हो गया भाई उस बात को। जी हाँ भाई, फुल 100% अपलोड हो गया, मस्त स्पीड आ रही है यहाँ। जनरली ट्रैवलिंग करते वक्त ना होटल्स में स्पीड अच्छी मिलती नहीं है, बट इनकी स्पीड भाई डाउनलोड के साथ साथ अपलोडिंग वाली भी इतनी क्रेजी है। डाउनलोड स्पीड तो 100 Mbps के ऊपर ही आ रही है कॉन्स्टेंट, और जो अपलोड मैंने देखी थी सुबह सुबह वो भी इतनी लगभग थी। अभी एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, इतनी आ रही। ओ भाई ये देख रहे हो, तो मस्त होती है भाई 120 की अपलोड स्पीड। मतलब मेरा काम बन जाता अगर अपलोड स्पीड मुझे 30-40 Mbps भी मिल जाए ना, तो 20 GB या 25 GB का व्लॉग आराम से अपलोड हो जाता है। जैसे आज 50 मिनट का व्लॉग है, तो 4K में 20 GB की फाइल थी और मस्त 1.5 घंटे में निपट गई। चलो जी चलो, लेट्स गो, सब कुछ रेडी, फटाफट से जाते हैं नीचे। 1000 थाईबाद की सिक्योरिटी दे रखी थी, वो लेनी है। उसके बाद खाना पीना करके सीधा आज निकलेंगे भाई पटाया के लिए। तो आज का जो सफ़र है वो है बैंकॉक टू पटाया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियन को लेके, और फिर पटाया में भी थोड़े बहुत बीचेस वगैरह घूम लेंगे जितना टाइम बचेगा, क्योंकि ज़्यादा लंबा सफ़र है नहीं आज का। वगैरह कोर नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 4 अप्रैल 2024, मैं हूँ अभी थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पर हम निकले हुए भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया बाय रोड अपनी स्कॉर्पियन को लेके 110 दिनों के लिए, जिसमें हम 11 कंट्रीज़ कवर करने वाले हैं एंड 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है, जैसे आपने लंदन ट्रिप को सपोर्ट दिखाया वैसी भैया लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब वगैरह सब कुछ कर देना। रूम भाई चेक कर लिया, कुछ भी सामान वगैरह नहीं है। चलो जी, बोर्डिंग पास पड़ा मेरा, ले ही लेता हूँ वैसे यहाँ क्या फेंकना। होटल का नाम है एम्बेसडर होटल बैंकॉक, काफी बड़ा होटल है भाई, एक फ्लोर पे इतने सारे कमरे है क्या बताऊँ। 3300 रुपीज समथिंग इंडिया के पे करे थे हमने यहाँ पे, तो ठीक था उस हिसाब से काफ़ी। बाकी आज थोड़ा सा जल्दी उठ गया है, जल्दी दिन की शुरुआत हो गई है, मतलब 9 बजे भाई होटल से चेकआउट कर रहे हैं, पहली बार हो रहा है ऐसा, वरना 10, 11 या 12 तो बज ही जाते थे। अब कोशिश करेंगे भाई थोड़ा जल्दी दिन की शुरुआत की जाए, क्योंकि ना गर्मी बहुत हो गई है यहाँ पे। अब लेट की आदत हमें हो गई थी चाइना तिब्बत में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड होती थी, तो उस चक्कर में हम उठते ही 12-12 बजे थे जब धूप आती थी। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इतनी गर्मी है कि 12-1 बजे तो भाई पसीने छूटने लग जाते हैं बाहर। तो उससे बेटर है अपना 9-10 बजे निकल जाओ होटल से और जल्दी जल्दी घूम घाम के अपना मज़े करो। फिर इन्होंने 1000 थाईबाद ना क्रेडिट कार्ड में होल्ड करे थे, तो ये रिफंड भी मेरे को लग रहा है, मतलब वो जो होल्ड कर रखा था वही रिफंड हो जाएगा सीधा क्रेडिट कार्ड में। ये देखो भाई काफ़ी बड़ा होटल है, रिसेप्शन एरिया इतना बड़ा है यहाँ का। चेकआउट तो कर दिया भाई साहब, ये कह रहे जो रिफंड आएगा मैक्सिमम 30 डेज। वाह भैया, तो अगली बार से भैया जहाँ भी डिपॉजिट देना है कैश ही देंगे, वरना क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड में देंगे तो वो तो होल्ड रहेगा। हो सकता है वैसे 1-2 दिन में भी हो जाए वो रिफंड, बट मैक्सिमम जब ये 30 डेज कह रहे हो और हम चले जाएंगे भाई अगले देश, तो कहाँ वापस आएंगे कि आया नहीं आया। अब इनसे भी क्या बहसबाजी करें उस चीज़ में, तो बेटर है कैश दो डिपॉजिट। कल कैश था नहीं, फिर शाम को हमने चेंज करवा लिया, अब से कैश ही दिया करेंगे, ताकि ये जब भी हम चेकआउट करें हाथों हाथ भाई रिफंड भी कर दे। एंट्री हमने भाई इस गेट से ली थी, जबकि होटल की एंट्रेंस वो पीछे थी, और गाड़ी यहाँ पर खड़ी कर रखी है हमारी बीस्ट, देख रहे हो भाई क्या मस्त लग रही है। तो सामान वगैरह लोड करके गाड़ी को यहीं छोड़ के
पास में ही वॉकिंग डिस्टेंस पे रेस्टोरेंट है, खाना वाना खाएंगे। और हाँ एक चीज और भाई, अभी एक अंकल जी मिले थे दिल्ली से ही, वो कह रहे कि आपके है ना हम वीडियोस तो देखते हैं बट बीच बीच में वीडियोस आते नहीं है, गायब हो जाते हैं एपिसोड वाइज। तो वो क्या करते हैं ना, वो यूट्यूब पे इंडियन बैकपैकर सर्च करके जो वीडियोस की लिस्ट आ रही होती है ना उसी को देखने लग जाते हैं। बट आपको ऐसा नहीं करना है एक्चुअल में, आपको यूट्यूब पे चैनल खोलना है, वीडियोस वाले सेक्शन पे जाना है, वहाँ पे आपको दिखेगा सारे एपिसोड एपिसोड नंबर वाइज डले हुए हैं, मतलब हर एपिसोड में मैंने नंबरिंग कर रखी है। तो कभी कभी वो टाइटल इतना लंबा हो जाता है कि आपको नंबर दिख नहीं पाता, बट आप लैपटॉप या फिर किसी बड़ी स्क्रीन में खोलोगे तो दिख जाएगा। क्योंकि काफ़ी लोग ये भी कहते रहते हैं अनमोल भाई आप एपिसोड का नंबर तो डाला करो। भाई मैं हर एपिसोड में डालता हूँ 1 2 3। ये सुकुमित वाले एरिया में ना मसाज सेंटर बहुत है भाई, गली गली में, मतलब एक ही लेन में 5-5, 10-10 मसाज सेंटर बने हुए हैं। और जो खाउसन वाला रोड था वहाँ पे भी मसाज सेंटर थे, बट वहाँ पे पब और ये क्लब्स वगैरह ज़्यादा थे। तो अगर मतलब आप आ रहे हो मसाज के लिए, शॉपिंग के लिए, तो रुको सुकुमित वाले एरिया में जहाँ पे हम रुके हुए अभी। और अगर आपको चाहिए पार्टी शार्टी ऐसे बैकपैकर्स वाला पूरा माहौल, यंग लोगों वाला माहौल, तो जाओ आप खाउसन रोड, वो ज़्यादा बढ़िया है। यहाँ पे ही देखो टैक्सी वैक्सी अभी बहुत ज़्यादा मिल जाती है होटल से निकलते ही। तो इंडियंस भी इसलिए ना ज़्यादातर सुकुमित वाले एरिया में ही रहते हैं क्योंकि सब कुछ फैसिलिटीज़ आसपास ही है। हालांकि जो बैंकॉक की घूमने वाली टूरिस्ट अट्रैक्शंस है ना वो खाउसन रोड के काफ़ी पास है, जैसे कि रॉयल पैलेस वगैरह। नो टैक्सी थैंक यू, नो नो नो। ये देखो भाई बर्गर किंग भी नीचे उतरते ही, टाको बेल भी नीचे उतरते ही, सारे ATMs वगैरह भी आसपास ही है, करेंसी एक्सचेंज भी पास में ही है, सब कुछ मिल जाता है। तो मुझे पर्सनली बताऊं तो सुकुमित वाला एरिया ज़्यादा अच्छा लगा, जिनको पार्टी का शौक नहीं है ना तो थोड़ा शांत माहौल रहता है यहाँ पे। बाकी पार्टी शार्टी करनी है तो नाना प्लाजा पास में ही है, जो बैंकॉक का एडल्ट एरिया माना जाता है। ये रहा भाई 7-Eleven, यहाँ से बोतलें भी ले लेंगे अपना, गाड़ी में रख लेंगे 2-3 बड़ी बड़ी, या एक पूरी पेटी ले लेंगे। और ये मनी एक्सचेंजर है जहाँ से हमने करवाया था। अब देखो एक इंडियन रेस्टोरेंट लिटल स्पाइसी करके पहला रेस्टोरेंट, अब दूसरा भी देखना लाइन वाइज ही आता रहेगा ऐसे ही। तो कल जहाँ से खाया था ना उनका टेस्ट अच्छा था। और अभी हमें ब्रेकफास्ट ही करना है तो कुछ हल्का ही खाएंगे, छोले भटूरे वगैरह, दोपहर को पटाया पहुँच के प्रॉपर लंच कर लेंगे। ये देख लो ATMs, कह रहा था ना मैं लाइन से लगे हुए भाई 6 ATM हर अलग अलग बैंक के, आप कहीं से भी करवा सकते हो। इसी तरह के ओपन ATMs का रिवाज ना यूरोप और UK में काफ़ी था, वहाँ पे मतलब ऐसे रूम नहीं बने होते ATM के लिए, गलियों में ही नॉर्मली ATM बने होते हैं, ऐसी थाईलैंड में भी देखने को मिल रहे हैं हमें। सेम लो जी डोसा किंग आ गया है यहाँ पे जहाँ हमने खाया था कल। बंद है क्या काम? अबे यार बंद है ये तो, 11 बजे टाइमिंग है, 11 से रात के 11, तो अभी तो बहुत टाइम है भाई, 2 घंटे कौन वेट करेगा, हमें निकलना भी है। उसी में चलते हैं लिटिल स्पाइसी में ना, थोड़ा बहुत ही खाना है, अब क्या इतना देखना। उसके बाहर वो बंदा बुला भी रहा था, अब हम वापस जाएंगे, कहेगा आ गए ना है लौट के बुद्धू घर को आए। भाई साहब इस एरिया में बुड्ढे अंकल इतने हैं ना, छोटा बच्चा है 21 साल का, कह रहा छोटा बच्चा हूँ, पर एक्चुअल में बहुत बुड्ढे लोग हैं यहाँ पे। इंडिया से तो है ही है, दूसरे देशों से फॉरेनर्स बहुत आए हुए हैं भाई, ज्यादा एज के मतलब। वैसे एक चीज जो है भाई, ये वाली जितनी भी आसपास की कंट्रीज है ना सारी सिमिलर सी दिखती है, चाहे आप लाओस, वियतनाम, कम्बोडिया, थाईलैंड ये सब ले लो, फिर मलेशिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है, और सिंगापुर तो फिर भाई बिल्कुल ही चेंज है, वहाँ तो मतलब ऐसा दिखता है कि किसी हाईटेक सिटी में आ गए। अरे यहीं तो था, ये रहा, ये आ गया भाई लिटिल स्पाइसी, यहीं पे ही खा लेते हैं, ओपन है ये तो, चलो शुक्र है, लेट्स गो भाई। हेलो, हाँ मस्त भाई, अंदर तो ठंडा माहौल हो रहा है, बाहर बहुत गर्मी है। आज का सफ़र देख लो भाई, सिर्फ 146 किलोमीटर का है और 1 घंटा 57 मिनट दिखा रहा है, यानी कि प्रॉपर हाईवे होगा कि 150 किलोमीटर 2 घंटे में कवर हो रहे हैं। हालांकि इसमें 2 घंटे दिखा रहा है, बट हम अगर लगातार चले तो 1.5 घंटे में भी हो सकता है। मोटा मोटा खा पी के 11 बजे भी यहाँ से निकल लेंगे तो 1 बजे पहुँच जाएंगे वहाँ पे, और फिर होटल वोटल लेके चेक इन करके सीधा भाई 3-3.5-4 बजे बीच पे चलेंगे। और पटाया सिटी में ना हम कल और परसों रुकने वाले हैं, फिर परसों से अगले दिन हम निकल जाएंगे सीधा भाई कंबोडिया के लिए, मतलब कंबोडिया बॉर्डर के लिए, बॉर्डर तक पहुंच जाएंगे, और फिर अगले दिन उससे जो है वो सुबह सुबह बॉर्डर क्रॉस करके सियाम रीप पहुँच जाएंगे, मज़े करेंगे कंबोडिया में, थोड़ा पड़ी खड़ी देखते हैं वहाँ पे क्या सीन चल रहा है, और जो भी टूरिस्ट स्पॉट्स है वो सब आपको दिखाएंगे अच्छे से। लो जी खाना आ गया अपना, एक प्लेट हमने मंगवा लिए छोले भटूरे, और साथ में एक प्लेट परांठा, चटनी, अचार, और प्याज आए क्या? हाँ, प्याज है ना, चलो जी प्याज भी आ गए साथ में, बढ़िया जी, धन्यवाद भैया, खाते हैं भाई। अचार ना इनके पास वो वाला नहीं है प्रॉपर इंडिया वाला, ये बोल रहे थे बंगाली अचार है खट्टा मीठा, चलो देख लेते हैं भाई, क्योंकि छोले भटूरे बिना अचार और प्याज के तो फिर है ही नहीं ना छोले भटूरे, समझ रहे हो? गजब भाई, मज़ा आ गया ज़िंदगी का, बहुत स्वाद। होटल भी बुक कर लिया भाई पटाया में, 3-स्टार होटल मिल गया एक मस्त भाई, सिर्फ 1600 रुपीज़ का, मैंने बहुत सही है, 2 रात के लिए करा अभी तो, आज और कल, परसों अगर रहेंगे तो कर लेंगे एक्सटेंड, वरना मेरे को लग रहा है हम परसों निकल ही जाएंगे शायद से, क्योंकि इतना बड़ा है नहीं पटाया, जो जो घूमने की जगह है वो आधी आज हो जाएगी, और कल एक पूरा हम प्रॉपर स्पीड बोट लेके एक आइलैंड पे जाने वाले हैं,
वहाँ के बीच बहुत फेमस है। बोतल लेनी भूल गए थे भाई, चलो अंदर से ही रास्ता है इसका भी। एक ही लेनी है, अब क्या रुकोगे, ठंडी बोतल लेनी है ना तो एक ही ले लेते हैं फिर फिलहाल, क्योंकि पहले तो हम पेटी ले लेते थे और वो ना गर्म हो जाती थी, तो सर्दियों में तो इतना फर्क पड़ता नहीं था, बट अब गर्मियों में गर्म पानी नहीं पिया जाता। ठंडी लो ना, फ्रिज में से लो, यहाँ से क्यों, फ्रिज देखने लग रहा है पीछे है ना, हाँ यहाँ से निकाल लो एक सस्ती वाली, जो सबसे सस्ती हो, प्राइस पढ़ो ना। ये है 22 थाई बात की है ना, और देखना इसे सस्ती है, 14 की है, ले लो ये ले लो, हाँ वही है सबसे सस्ती 14 वाली, ले लो सही है, लिखा है ले लो, तो हमने पहले पी ले लो ले लो, एक एक ही ले लो। 14 थाई बात का मतलब हो गया भाई 35 रुपीज़ की बोतल है ये 1 लीटर, तो पानी तो महंगा है भाई यहाँ थाईलैंड में, ये तो है। बिल करवा लेते हैं बस जल्दी जल्दी, काफ़ी चीज़ें मिल रही है यार यहाँ 7-Eleven पे ना। ये देखो टी शर्ट्स वगैरह भी है भाई, ये अंकल जी शायद से हमारा चैनल वैनल देख रहे हैं खोल के। गाड़ी भी ना गंदी काफ़ी हो रही है, तो भाई एक बार वॉशिंग करवानी पड़ेगी अच्छे से, अंदर से, बाहर से भी हो रही है पर अंदर से कुछ ज़्यादा ही हो रही है। अब ये क्या पड़ा हुआ है, है भाई ये क्या पड़ा है, आम है ना, आम की गुठली लग रही है, किसी ने आम की गुठली फेंक दी भाई, पकड़ूं भी कैसे, टिश्यू से फेंकना पड़ेगा उतार के। चलो उतार के फिर बैक करते हैं। ये जो सुकुम्बित वाला एरिया है ना भाई, यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक लगा रहता है, ये मतलब ऑफिसेज वगैरह बहुत है, एक तरह से फाइनेंशियल हब कह सकते हो आप बैंकॉक का। तो एक बार हम यहाँ से निकल गए बाहर तो फिर ट्रैफिक नहीं मिलेगा, हाईवे हाईवे का ही है, और गूगल मैप पे भी ना 2 रास्ते दिखा रहा था भाई पटाया तक जाने में, तो हमेशा ना वो रास्ता चूज़ करो जिसमें ना भाई ज़्यादा किलोमीटर में कम टाइम शो कर रहा हो, क्योंकि होता क्या है ना अगर ज़्यादा किलोमीटर और कम टाइम शो कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दूसरा रास्ता जिसमें किलोमीटर भी कम है और टाइम तो कम दिखा ही रहा भले ही, बट फिर भी वो हाईवे नहीं होगा, क्योंकि ज़्यादा किलोमीटर वाला रास्ता और कम टाइम में कवर होने का मतलब होता है कि भाई हाईवे हाईवे है, तो आप उससे भी ज्यादा कम टाइम में कवर कर लोगे। ये देख रहे हो भाई यहाँ के स्कूटर वाले कैसे हैं, जरा सी जगह निकल मिल जाए इनको भाई हर जगह घुसा देते हैं, और इसका नाम है रोबिन हुड ऐप का नाम, बच गया भाई अभी ठोक देता सामने वाली गाड़ी को, तो थोड़ा 2-व्हीलर का सिस्टम यहाँ पे भी वही। अरे यार तुम राइट लोगे हैं, हमें तो निकलने दो, चलो जी चलो जी चलो, फाइनली जाके अब हाईवे पे निकल गए, और कितनी लेन है भाई, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 लेन हमारी तरफ, 6 लेन उस तरफ, भाई साहब 12 लेन का हाईवे है, अब छोटा हो गया, अब हमारी तरफ हो गई है 5, उस तरफ भी 5, फिर भी यार 10 लेन का हाईवे है प्रॉपर। हल्का फुल्का ट्रैफिक यहाँ पे भी फील हो रहा है अभी अभी, क्योंकि सिटी से ना निकले ही है, तो थोड़ा आगे जाएंगे तो फिर खुल जाएगा, बट गूगल मैप पे पूरा ब्लू दिखा रहा है तो मतलब खाली होगा भाई, और 131 किलोमीटर है, 1 घंटा 40 मिनट। चलो वन गो में खींचने की कोशिश करेंगे, नहीं हो पाया तो बीच में रुक जाएंगे थोड़ी देर। सामने बोर्ड पे देखो भाई लिखा हुआ है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट का भी रास्ता इधर की तरफ से ही है, तो ऑलमोस्ट जहाँ पे हमने होटल लिया था वहाँ से 55 मिनट दूर था स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट, एंड ये चोनबुरी करके भी जगह यहीं पे ही है, और ये जो लेफ्ट वाला हाईवे जा रहा है ये जा रहा है बैंगपा इन करके एक जगह है वहाँ पे, तो नाम यहाँ के हिसाब से तो इनके लिए नॉर्मल है, बट हम रीड करते हैं तो भाई थोड़े से फनी से फील होते हैं कि बैंगपा इन, बैंगना, चोनबुरी, तो हो सकता है जो फॉरेनर्स इंडिया आते हो उनको इंडिया के भी जो सिटीज़ या स्टेट्स के नाम है थोड़े से ऐसे फनी से लगते हो, हमारे लिए लेकिन नॉर्मल है। टोयोटा तो भाई थाईलैंड में सही में बहुत सारी है, मतलब सारी ही गाड़ियाँ मिल जाएगी टोयोटा के जितने मॉडल आते हैं ना थाईलैंड में आपको, और एक ये देखो भाई माजदा 2 करके, चाइना की थी, हाँ चाइना की थी शायद से, चाइना का ब्रांड था पता नहीं मेरे को याद नहीं आ रहा, वैसे ऑलमोस्ट सारे ब्रांड मिल जाएंगे आपको थाईलैंड में, मित्सुबिशी है अपना, फोर्ड है, टोयोटा है, चाइना के भी 2-4 ब्रांड्स है, इंडिया के तो पता नहीं, मैंने इंडिया की अभी तक गाड़ी देखी नहीं यहाँ पे कोई भी, हमारी सिर्फ स्कॉर्पियो है नहीं है यहाँ थाईलैंड की सड़कों पे, बाकी टाटा वाटा मेरे को तो नहीं दिखी यहाँ, हालांकि अपना लाओस में तो बहुत सारी थी इसकी महिंद्रा की गाड़ियाँ, देखते हैं यहाँ भी होगा तो। दूसरी चीज़ भाई अपनी गाड़ी ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 11,000 किलोमीटर चल चुकी है इंडिया से निकलने के बाद, तो इसका अब सर्विस का भी टाइम आ रहा है, 12-13 हज़ार पे करवा लेंगे इसकी सर्विस, तो थाईलैंड तो क्रॉस हो जाएगा, कंबोडिया में देखना पड़ेगा शायद से, या तो कंबोडिया में सर्विस कराऊंगा अगर अच्छा सर्विस सेंटर मिल गया, या फिर जब कंबोडिया से वापसी आएंगे ना मलेशिया जाते हुए थाईलैंड ही क्रॉस करना है बीच में, तो थाईलैंड में ही आके करवा लूँगा, देखेंगे बाकी अभी तो फिलहाल
पटाया घूम के परसों निकलेंगे हम फिर आगे कंबोडिया के लिए। स्वर्णभूमि एयरपोर्ट है भाई, यहाँ से 7 किलोमीटर ही है। देखो भाई यार, अभी तो हमें जाना नहीं है, अभी तो हम भाई रोड ट्रेवल कर रहे हैं। ये लेफ्ट में देख रहे हो भाई, कितने सारे कंटेनर पड़े हुए हैं, तो जो भी शिपमेंट वगैरह होती है वो सारे कंटेनर यहाँ पे करे जाते हैं। अब ये नहीं मुझे पता यहाँ पे पोर्ट है या नहीं है कोई भी, वैसे जितने भी कंटेनर्स पड़े होते हैं पोर्ट तो होना चाहिए आसपास, बट मैं श्योर नहीं हूँ इस चीज़ को लेके। पर ये ना सारे कंटेनर ऊपर फ्लाइट से दिख रहे थे भाई जब मैं आ रहा था ना कल, इधर भी है वो। ये देखो यहाँ भी भाई कंटेनर ही कंटेनर पड़े हुए कितने सारे। एंड हाईवे भाई अब 4 लेन हो चुका है, मतलब टोटल 8 लेन, एंड सीधा सीधा हाईवे है 81 किलोमीटर का टोटल, वैसे तो 113 किलोमीटर है। अभी फ्यूल भी गाड़ी में है भाई, आधे से ज़्यादा टैंक है, बट वाइपर फ्यूल ख़त्म हो चुका है, मतलब पानी नहीं है, तो इसलिए शीशा ना गंदा हो रहा है, साफ़ नहीं कर पा रहा मैं। तो किसी फ्यूल स्टेशन में रोकेंगे अभी थोड़ी देर में और वहाँ से ना भर लेंगे इसका पूरा लिक्विड। अब मुझे लग रहा है भाई जो मेन हाईवे एक्सप्रेसवे होता है ना उसका टोल टैक्स आया ये, अगर तो यहाँ भी 50-60 थाई बात ही हुए तो, यानी कि ये वो वाला टाइप का भी टोल नहीं है, ये नॉर्मल ही है जो हर बार चल रहा था। तो हम कैश वाली लेन में घुसे हैं भाई, पास वाली में नहीं, निकालना पाउच में, देखते हैं भाई कितना पैसा लगेगा। ये सब लोग अच्छा नहीं पर्ची दे रहे हैं खाली भाई, यहाँ पे तो पर्ची मिलेगी शायद, पे नहीं करना। ये देखो भाई इस तरह का कार्ड दे दिया इन्होंने, और थाईलैंड में पहली बार मिला है ना ये, मिला था पहले एक बार मेरे को याद नहीं आ रहा, एक ये कार्ड मिल गया। अब इसमें क्या होता है कि हम हाईवे पे चलते रहेंगे, जहाँ से भी एग्जिट लेंगे ना वहाँ पर एक टोल टैक्स आएगा, ये हमें दे देना है वहाँ पर, और फिर वो पैसे बता देंगे हमें कि कहाँ से एंट्री ली थी कहाँ से एग्जिट, उसी हिसाब से टोटल बिल बनेगा। लिखा हुआ भाई मोटरवे डिपार्टमेंट ऑफ हाईवेज, कॉल सेंटर का नंबर भी और वेबसाइट भी दे रखी है। चलो रख लेते हैं संभाल के। लास्ट बार वहाँ मिला था ना जब आप हाथ से निकला था बटन दबा। अच्छा हाँ मशीन थी, हाँ याद आ गया भाई, एक मशीन थी, मशीन से निकला था कार्ड। चाइना में भी ऐसी होता था कार्ड, इंडिया में ये कार्ड सिस्टम नहीं है, इंडिया में तो पर्ची है या अपना फास्ट टैग तो चलता ही है फिर। अच्छा जहाँ जहाँ मैं गया हूँ इंडिया में वहाँ वहाँ बोल रहा हूँ, हो सकता है किसी एरिया में होता भी हो तो किसी को पता हो कमेंट्स में बताना। भाई अब जाके ना पटाया लिखा हुआ दिखा हमें इस वाले बोर्ड पे, वरना एक बार भी पटाया का नाम नहीं आया था। और साथ ही साथ भाई फ्यूल स्टेशन भी आ गया या सर्विस एरिया जो भी आप कह सकते हो, तो अपन को लेफ्ट लेना है। थाईलैंड में हम एक बार भी नहीं रुके हाईवे की किसी सर्विस एरिया में, तो देखते हैं भाई यहाँ पे कैसा है। जैसे यूरोप वगैरह में तो बहुत तगड़ी फैसिलिटीज होती थी, बड़े बड़े ऐसे आउटलेट बने होते थे मैकडोनल्ड्स वगैरह के, और वॉशरूम भी काफ़ी बड़े होते थे। यहाँ देखते हैं भाई कैसा एरिया, खाली फ्यूल स्टेशन ही है या और भी चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये मेन हाईवे है भाई, मतलब बैंकॉक पटाया, पटाया बैंकॉक मेन है एकदम। हमने ले लिया इधर, जाना था उधर, वो रहा सामने फ्यूल स्टेशन, एक कट पहले मुड़ गए हम लेफ्ट गलती से। अब ये तो गोल गोल घुमा घुमा के दिखा रहा है भाई कहीं कहीं से। शेट यार अब मुझे लग रहा आएगा भी टोल टैक्स यहाँ पे, अब वापस से पे करना पड़ेगा थोड़ा सा। यहाँ देखा वो आ गया सामने, अब ये देना पड़ेगा पे करके, फिर से वापस घूम के टोल टैक्स पर ही चढ़ना पड़ेगा। शेट यार ये बड़ा जमुईला है ना यहाँ पे, चलो करे अब क्या कर सकते हैं। ये दो बंद पड़े हैं, वो दो वो वाले हैं पास वालों के लिए, ये कैश के लिए है तीन। जैसे अपने इंडिया में फास्ट टैग है यहाँ पे चलता है भाई एम पास या फिर इजी पास, तो हमारे पास तो कोई पास नहीं है, हमें तो ये टोकन मतलब टोकन का कार्ड दिखाना है और फिर वो हमें अमाउंट बता देंगे, उतना अमाउंट हम पे कर देंगे कैश में। ये चीज़ हमारे साथ बहुत बार हो चुकी है, यूरोप में भी होती थी, लाओस में भी हुई थी कि हम गलत कट लेते, चाइना में भी हुई थी सच, फिर वापस से घूम फिर के फिर से टोल टैक्स चढ़ना पड़ता था। तो ज़्यादा तो नहीं भाई 50-60 रुपए का नुकसान होता है इस पूरे प्रोसेस में। मेरे ख्याल से हम कितना 40-50 किलोमीटर चले होंगे अभी हाईवे पे, देखते हैं कितना पैसा लगता है। हेलो 55 ओके 55 थाई बात 120 से 130 रुपये बने, मतलब एक थाई बात पर किलोमीटर आप समझ लो इंडिया के कितने हो गए 3 रुपये ना 2.5 रुपये, सस्ता है यार यहाँ का 2.5 रुपये पर किलोमीटर टोल टैक्स। चाइना में जहाँ तक मुझे याद है 6 रुपये था शायद से। अब ये यू टर्न लेना है यहीं से ही वापस, ला 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 ला। लो जी यू टर्न ले लू के वापस से आ गए हैं। यहाँ पे भी सेम वही है भाई, राइट की 2 लेन एम पास वालों के लिए और ये लेफ्ट की 2 लेन 102 नंबर कैश वालों के लिए। चलो अब ये वापस से कार्ड थमा देंगे हमें। लो जी वापस से कार्ड मिल गया, अब ये पटाया में जब हम उतरेंगे तब दिखाना होगा।
पर पहले फ्यूल वाले पे देखे चल के कहाँ से रास्ता है उसका। तो भाई फ्यूल स्टेशन नहीं जा पाएंगे क्योंकि हम थोड़ा सा आगे की तरफ आ गए हैं, तो वो फ्यूल स्टेशन पीछे निकल गया। कोई नहीं, चलो थोड़ा सा और चलते हैं, दिख जाएगा एक और फ्यूल स्टेशन कहीं ना कहीं। पता है 37 किलोमीटर दिखा रहे हैं यहाँ से। अच्छा नहीं, 37 मिनट्स है, किलोमीटर 59 किलोमीटर है, इसमें 49 मिनट दिखा रहा है क्योंकि मैंने सीधा होटल की लोकेशन डाली है। जी हाँ भाई, होटल ऑलरेडी बुक कर दी। अच्छा मैंने बता तो दिया था आपको रेस्टोरेंट में कि होटल बुक हो चुका है अपना। फ्यूल स्टेशन तो आया नहीं उसके बाद कोई भी, लेकिन पटाया जरूर आ गया। बस 8 किलोमीटर रह गया, तो ये अपना एग्जिट का टोल टैक्स है। लेफ्ट ले लेते हैं, यहाँ जगह है अपने पास। चलो जी, अब तो ज़्यादा पे नहीं करने पड़ेंगे, थोड़े बहुत ही करने हैं। जहाँ तक मुझे लगता है भाई 20 या 30 थाए बात लगेंगे खाली। एंड यहाँ देखोगे ना भाई, वो भी है 45 का है, देना 5 और। चलो जी, हमें कहते हैं यहाँ पे फाटक भी लगा हुआ है। जो बैंकॉक के अंदर अंदर के टोल टैक्स थे ना, वहाँ फाटक नहीं होता था, और यहाँ पे तो है वो प्रॉपर। मतलब कि थाईलैंड में भी प्रॉपर वाले टोल टैक्स है, ये बैंकॉक से पहले नहीं थे कहीं भी, बैंकॉक के बाद आने लगे है ये। पटाया सिटी ना काफी बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी है, और साथ ही में भाई प्रॉपर ना ऐसे डेवलप्ड सिटी है। देखो बड़े बड़े ब्रांड्स वगैरह सब कुछ है यहाँ पे, टनल्स बनी हुई है। तो अपना होटल केवल और केवल 4 किलोमीटर रह गया है। लेफ्ट में देखो लिटल वॉक, मतलब वही है भाई। देखो छोटी मोटी चीजें देखी जाए ना, तो हर शहर में घूमने की तो बहुत जगह है, बट मेन मेन टूरिस्ट अट्रैक्शन 2-3 ही होते हैं। जैसे एक यहाँ पटाया में बीच है, एक वॉकिंग स्ट्रीट है, और एक दो अपना वही टेम्पल वगैरह होंगे, तो इससे ज्यादा नहीं है। एक आइलैंड है कोरल आइलैंड, जहाँ पे हम कल जाएंगे, वो अच्छा है, उसमें स्पीड बोट पे जाना पड़ता है। तो देखूंगा अगर वहां के लिए कोई फेरी चलती होगी ना, जिसमें गाड़ी भी लोड हो जाए तो बढ़िया भाई, गाड़ी में जाएंगे अपना फेरी में लोड करके, और नहीं होगी तो फिर स्पीड बोट ही पकड़ लेंगे सिंपल। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं गया था स्पीड बोट से गया था, इस बार फेरी वाला ट्राई करेंगे चीज कुछ। क्या पता जाती हो भाई गाड़ी लेके, तो कोरल आइलैंड में अपनी गाड़ी भगाएंगे मस्त। तो हमें भाई राइड जाना है पटाया ताई, जो पटाया की मेन सबसे बड़ी वाली ताई जी है, उनके वहां पे जा रहे हैं हम फिलहाल, और वहीं पे ही अपना होटल भी है। ये बैंक चक करके ना जो फ्यूल स्टेशन है ना, बहुत है भाई इनकी ब्रांचेस पूरे थाईलैंड में, और ये काफी बड़ा है। यहाँ पे देखो रेट भी लिखा हुआ है, दिख जाए अगर आपको तो, ये देख लो भाई थाई बात में है, 2.5 से मल्टीप्लाई कर लेना। बर्गर किंग भी है यहाँ तो, एंड 1 बजे से पहले ही पहुंच गए भाई पटाया, 12:58 हो रहे हैं, मस्त है भाई। एक्चुअल में देखा जाए ना, सुबह जल्दी उठने के फायदे तो बहुत है, दिन जल्दी शुरुआत करते हो तो आपके पास पूरा दिन होता है एक्सप्लोर करने के लिए। जितना लेट शुरुआत करोगे फिर अंधेरा भी जल्दी हो जाएगा, शाम को तो मिलेगा नहीं ज्यादा टाइम। हरे रंग की फॉर्चुनर, ये कब जान लग गई? पिंक भी देखी थी, पिंक फॉर्चुनर है, सही में देखी थी, करवाई होगी पिंक। और ये तो लेजेंडर लग रही है मुझे, फॉर्चुनर है लेजेंडर, देखना अभी शायद से तो लेजेंडर लग रही है भाई। हरे रंग की लेजेंडर कब से आने लग गई, इंडिया में तो नहीं आती ऐसी। रेड कलर की आती, ओ भाई कौन सी लेजेंडर है भाई, देखना बताओ। थाईलैंड में हरे रंग की लेजेंडर मिलती है ड्यूल टोन ही रूफ, क्योंकि ब्लैक है पूरी की पूरी। इंडिया में तो एक ही कलर आता है लेजेंडर में, व्हाइट एंड ब्लैक रूफ। क्या बताइए भाई, सा करवाई हो भी सकती है, बट यहाँ के रूल्स फिर ऐसी है, मतलब कोई भी कलर करवा लो, पता नहीं भाई, या हो भी सकता ऑफिशियल कलर हो, क्योंकि रैप तो नहीं लग रहा मुझे ये देखने में। जैसे भाई बैंकॉक में सुकुमवीत की अलग अलग वो थी ना रोड्स, थी सोई 11, सोई 10, सोई 9, उसी तरह से यहाँ पे पटाया में ये पटाया टाई करके जो है अलग अलग स्ट्रीट है, और एक तरह से मेन सिटी सेंटर भी यही लगा सकते हो आप पटाया का। तो ये जो राइट में लेफ्ट में अलग अलग गलियां जा रही है, जैसे राइट वाली गली है पटाया ताई स्ट्रीट नंबर 12, ऐसी आगे 11 है, 10 है। चलो भाई तुम निकल जाओ पहले रोड के बीच से, और यहीं पे ही आपको फॉरेनर्स वगैरह बहुत ज्यादा देखने को मिलेंगे भाई। होटल भी अपना इसी रोड पे है बिल्कुल, मतलब आप स्ट्रेट चलते जाओगे ना तो सामने टक्कर पे आ जाएगी बीच, तो मतलब बीच वाले रोड पर ही हमने होटल लिया है, जहाँ से वॉकिंग स्ट्रीट भी 200 मीटर है सिर्फ, और अपना बीच भी बहुत पास है, तो मस्त दोनों जगह के गेड़िया मार सकते हैं हम पैदल पैदल ही। भाई साहब यहाँ आके तो सारी यादें ताजा हो गई 2019 की,
पताया ही आया था क्योंकि मैं सीधा एयरपोर्ट से उतरते ना बैंकॉक में ज्यादा रुका ही नहीं था, मजे आ गए थे उस ट्रिप में भी, अकेले सोलो था मैं। एंड होटल भी अपना यहीं का दिखा रहा है राइट साइड में मरीन प्लाजा। एंड देख रहे हो भाई कितने सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है भाई, इतना सारा यहाँ पे फार्मेसी तक इंडियंस ने खोली हुई है, तान्या के नाम से थी एक पीछे, ये रहा शायद, हाँ यही है भाई मरीन प्लाजा, लेट्स गो। इनकी पार्किंग है ना अंदर भाई, लग तो रहा है ओ पजारो स्पोर्ट, क्या मस्त लग रही है भाई। अरे स्कूटर वाले भैया देख तो लो कहाँ है पार्किंग, नो पार्किंग लिखा हुआ है इन्होंने, तो बदतमीजी मत कर देना, मैंने मेक माई ट्रिप पे देखा था लिखा है पार्किंग है, ये अंकल इनको बुलाओ ना। ओ इनका तो मसाज सेंटर भी है भाई मरीन वालों का, तो इन्होंने कहा पीछे की तरफ है पार्किंग, पीछे किधर है अब तो। हाँ यार मरीन एक्सचेंज, मरीन बताओ कितनी चार, अबे मरीन सी फूड क्या है ये, मरीन ही मरीन हो रखा है पूरा एरिया इन्होंने खरीद लिया, डिस्को क्लब भी है भाई इनका अपना, टॉयलेट भी है भाई मरीन वालों का प्राइवेट, ओए पार्किंग भी ह्यूज है काफी है। देखो यार यहाँ नहीं लगानी, फिर ये आएंगे चाबी मांगने, इसके पीछे लगानी है जगह उधर से, क्योंकि अब हमें आज निकालनी तो है नहीं गाड़ी, सब कुछ यहाँ से पैदल पैदल ही है, तो मैं सोच रहा हूँ ऐसे ही चले जाएंगे गाड़ी को थोड़ा ना अंदर की तरफ, हाँ है जगह है, चलो बढ़िया। अरे यार जो यहाँ लगा देते इस वाले स्पॉट पे उल्टा करके, लेट्स गो भाई चल। अबे यार गार्ड भैया आगे कह रहे उधर लगाओ आगे की तरफ, क्या दिक्कत है भाई मैं यहाँ लगा रहा हूँ तो है, अब ये यहाँ से निकलेगी नहीं मेरे हिसाब से, तो बहुत कम जगह है, देखना लेफ्ट में लगेगी तो नहीं, अब देखो निकल जाएगी हाँ। सी आगे देखो आगे की तरफ पक्का लगी तो ये अंकल लगी चले ना दे, ओके ओके चलो भाई चलो 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 निकल गई वेरी गुड थैंक यू अंकल जी भी डर दे डिस्को है पूरे, चलो जी यहाँ लगा देते अंकल का दिल रख लेते हैं एवरेस्ट के पीछे, कब आएगी तू इंडिया भाई साहब, अंदर तो पता नहीं चल रहा था बाहर आते ही गर्मी है, शेट नए सूटकेस की हो गई मेरी, शेट यार बच गया, चलो अमेरिकन टूरिस्टर है वारंटी मिली है वैसे वर्ल्ड वाइड, टूटेगा तो नया देंगे वो तो बढ़िया है, और लैपटॉप नहीं टूटना चाहिए उसकी वारंटी नहीं है क्योंकि टूटने की नहीं है, उसकी भी है इंश्योरेंस करवा रखा है, प्रोटेक्टेड रहते हैं भैया हर चीज से, देख रहे हो स्मार्ट बनो, टूटा है पहले वाले में इंश्योरेंस नहीं था ना उसको सीखा ही है उसमें, तुम नहीं ले रहे अपना बैग, तो लो यार फिर सोहन इतनी गर्मी में तुम भी यार मजे ले रही हो, तो ये होटल है पूरा बड़ा भाई काफी बड़ा एरिया और सस्ता भी मिल गया काफी, थ्री स्टार होटल 1500-1600 में मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इन देशों में, बट ढूंढ निकाला मैंने स्मार्ट बॉय, थोड़ा सा रेनोवेशन का काम चल रहा है भाई होटल में, तो पीछे की साइड से आया हेलो जी, ये रहा रिसेप्शन, ये तो कह रहे हैं भाई 2 बजे का चेक इन है, क्या फायदा हुआ हमारे जल्दी उठ कर जल्दी आने का जब होटल वाले चेक इन ही नहीं दे रहे, और इतनी गर्मी में बाहर तो जाएंगे नहीं घूमने, तो यहीं बैठ जाएंगे, अभी 1:30 बज रहे हैं लंदन कह रहा हूँ बैंकॉक के, तो आधा घंटा वेस्ट करना पड़ेगा बैठे बैठे, आई एम शूटिंग माई सेल्फ नॉट यू, आई एम नॉट शूटिंग यू आई एम शूटिंग माई सेल्फ, ओके 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 भाई साहब नीचे तो रिसेप्शन वाली दीदी ने बोल दिया वीडियो नहीं बनानी है, चलो मैंने कहा कोई नहीं बनाते वैसे तो हम अपनी वीडियो ले रहे थे, लेट्स गो भाई थर्ड फ्लोर पर रूम है, ठीक है यार रूम तो अच्छा ही है, ये देखो भाई वो बाथटब लगा हुआ है, वाह बढ़िया यार काफी बड़ा बड़ा है, छोटा कहाँ है पिछले वाले रूम से तो बड़ा है, हाँ बेड छोटे हैं दोनों, सिंगल सिंगल लिया हमने, और बाहर का व्यू देख लो आप भाई, गली ही दिख रही है सामने वाली, सामने ही रेस्टोरेंट है दालचीनी इंडियन कुजीन, बताओ मस्त है यार, निकलते ही खाना मिल जाएगा अपने को, तो अब 2-3 दिन खाने की दिक्कत नहीं, एसी भी लग रहा है, ये रहा वाईफाई वगैरह तो बाकी नॉर्मली है ही, तो सही है भाई 1600 रुपए के हिसाब से, थैंक यू सो मच, लेट्स गो भाई, और स्विमिंग पूल भी है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे, स्विमिंग पूल था व्हाट भाई, ये पता नहीं क्या हरा सा है देखना, पैकेट खुला पड़ा पैकेट है किसी का यूज्ड लग रहा है, चलो हमने तो बोतल लगानी है, इन्होंने साफ नहीं किया रखा फ्रिज, ये देखना बियर भी पड़ी हुई है खुली हुई आधी, ये रूल मुझे समझ नहीं आता भाई, चेकआउट 12 बजे का चेक इन 2 बजे का, मतलब इनको 2 घंटे लग जाते हैं रूम साफ करने के लिए, 15 मिनट लगते हैं भाई, चलो कितने ही कमरे होंगे, हर कोई थोड़ी 2 बजे 12 बजे चेकआउट करता होगा, कई लोग सुबह सुबह भी निकल जाते हैं, और होते हैं रूम इनके पास कभी कभी जान के नहीं देते, और कुछ होटल वाले अच्छे होते हैं वो दे देते हैं, 15-20 मिनट रेस्ट करते हैं उसके बाद निकलते हैं थोड़ा अगर हिम्मत हुई तो, वरना गर्मी बहुत है तो शाम को ही जाएंगे 4:30-4:30 बजे के बाद, क्योंकि बीच पे इतनी धूप में बैठेंगे तो हम ही मिट्टी बन के समुद्र में बह जाएंगे। लेटर दैट सेम इवनिंग भाई शाम के 4:30 बज चुके हैं, अभी भी गर्मी बहुत हो रही है,
लेकिन आउटफिट हमने पहन लिया भाई समुद्र मतलब बीच पे जाने के लिए। नीचे चप्पल दोनों ने और शॉर्ट्स, ऊपर टी शर्ट। पेट पूजा करते हैं यहाँ पे कहीं पे और सीधा फिर बीच की तरफ निकलेंगे। ऊपर से आपको दिखाया था ना होटल के जस्ट सामने ही है ये रहा भाई दालचीनी, ऑथेंटिक इंडियन कुजीन। चलो यहीं चले। चलो भाई खाना पीना डन, पेट भर के खा लिया है, अब निकलते हैं बीच की तरफ। मैंने बताया था ना भाई थाईलैंड में फ्रूट्स बहुत मिलते हैं, देखो भाई लाइन से लगे पड़े और हर वेराइटी के फ्रूट्स है। अच्छा भाई 14 और 15 अप्रैल को ना यहाँ पे थाईलैंड में एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, अपने इंडिया का जैसे होली है ना वैसे यहाँ पे भी पिचकारी से खेलते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ उसको अटेंड करने का कंबोडिया से आते वक्त। तो ना मैं आज गूगल पे बैठ के सर्च कर रहा था वो जो इलेक्ट्रिक वाली वाटर गन नहीं होती जिससे धार निकलती है पिचक वाली, मैं सोच रहा था यार थाईलैंड में मिल जाए ना ऑनलाइन मंगवा लूंगा और फिर उस पिचकारी से यहाँ पे लोगों की गेम बजाऊंगा। एंड ये देखो भाई चलते चलते अपने को यहाँ स्टोर मिल गया, इनके पास बहुत सारी वाटर गन है, तो चलो अंदर चलते और इनमें से एक लेते हैं कोई बढ़िया सी। मजे आ गए भाई, अब देखना उस फेस्टिवल में कैसे गेम ओवर करूंगा लोगों का। तो भाई एक ये वाली गन थी, ये मिल रही थी अपने को मतलब 1615 थाई बात प्राइस बता रहे थे, बट करते करते 1300-1400 में दे देते हैं इंडिया के मतलब 3000 रुपये के आसपास। बट इसमें ना ये देखो, अच्छा निकाल दी बैटरी, इसमें क्या लगातार वाले शॉट्स नहीं है, इसमें सिंगल सिंगल वाले शॉट्स है बर्स्ट मोड जिसे कहते हैं। बट एक गन मस्त लगी जो यहाँ पे सबसे वाली महंगी वाली गन थी, उसमें क्या सिंगल पावर निकलती है पानी वाली, तो भाई वो सही है। उसका रेट बता रहे थे 1750, बट दिया है लास्ट 1500 में, तो 1500 थाई बात इंडिया के हो गए 3500 रुपये के आसपास बने इंटू 2.5, 3750 रुपये की पिचकारी ली है। बट भाई मज़ेदार चीज़ है, ये बार देखते हैं। काफ़ी सारे मॉडल हैं भाई इनके, भाई ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। इंडिया में पता नहीं कहाँ मिलती है नहीं मिलती अभी इलेक्ट्रिक वाली गन्स, ऑनलाइन तो मिलती है इंडिया में बट यहाँ पे मिल गई भाई अपने को। सीख लेते हैं भाई कैसे फिल करते हैं, हमें तो आती नहीं, नूब है अभी हम। और इस वाले के साथ ना भाई दो बैटरी है। कैन यू टीच हाउ टू यूज, ओके दिस इज बैटरी राइट, बैटरी दो बैटरी मिलती है। एंड हाउ टू चार्ज, वन बैटरी टू बैटरी एंड हाउ टू चार्ज दिस, इस तरह का ये भाई वो मिला हुआ है देखो। सही है भाई, इसमें सेल वेल नहीं डालनी पड़ेगी, ओके तो ये पावर लगाओ इसमें डायरेक्ट और यूएसबी से अपना चार्ज कर लो, ओके। एंड हाउ टू फिल वाटर, नो वाटर हाउ टू फिल, ओके इन द बकेट। अच्छा तो भाई अलग से डालने की जरूरत नहीं है, बकेट पानी भरा हुआ है उसी में ये डालो, बटन दबाओ पूरा का पूरा भर लेगी। सही है, ओके तो सही है भाई, अपना इसको एक बार होटल में पूरा अच्छे से फुल चार्ज करके टेस्टिंग कर लेंगे, क्योंकि ना वो फेस्टिवल तो है ऑलरेडी यहाँ शुरू हो चुका है, मतलब इस बार थोड़ा लंबा करा है उसको, 1 अप्रैल से शुरू कर दिया, बट अभी लोग इतना खेल नहीं रहे हैं यहाँ पे पानी से ना, तो वो 14 या 15 अप्रैल में ही तगड़े वाला होगा। मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी भाई, रोड पे लोग 500,000 लोग पिचकारियाँ ले लेके एक दूसरे पे पानी फेंक रहे हैं, तो मज़ेदार चीज़ है। सांग याम कुछ करके था फेस्टिवल का नाम, तो मज़ा आएगा भाई, अपना वेपन तैयार है उसके लिए। पे कर देते हैं भाई 1500 थाई बात। और भी इनके बाद देखो काफ़ी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, वाटर गन तो है ही, पोस्टर्स भी है, और ये देखो भाई RC हेलीकॉप्टर्स, कार्स, वैन, ओ जिम्मी कोई नहीं, क्या बात है, 3-डोर वाली है। ड्रोन्स भी है देखो भाई, ये तो सब चाइना में दिखे थे हमें, इसका कोई ज़रूरत नहीं। एंड PS5 का कॉपी 1650 में गेम है वो वाली नॉर्मल, सेगा वगैरह आती थी ना जो पहले। काफ़ी सारी है, अच्छी टॉय शॉप है यार काफ़ी यहाँ पे, देखना ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिल रही है इस तरह की RC भाई। और भी है भाई यहाँ पे गन्स काफ़ी सारी, एक ये देखो भाई इलेक्ट्रिक वाटर गन, इसमें भी कंटिन्यूस वाला है एक साथ ही मतलब पानी फेंकेगा। अच्छे अच्छे मॉडल रखे हुए, मतलब ऐसे फ्यूचरिस्टिक सी गन है, मतलब जो फ्यूचर में आने वाली है ना वैसी टाइप की इन्होंने वाटर गन बना ली। एंड ये देखो RC कितनी सारी है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, क्रेन, VMAX टर्बो हुए, कितना बड़ा है भाई ये, यहाँ पे क्रेन वगैरह है काफ़ी मज़ेदार। अरे सोहन तुम क्या कर रहे हो यहाँ वैसे ना रहे हो भाई साहब, भले ही बड़े हो गए भाई बट खिलौने विलौने देखते हैं ना अभी भी ऐसे गैजेट्स टाइप के, तो एक्साइटमेंट सी रहती है। थैंक यू, लो भाई डाल लो, चलो बैग में डलवा लेते भाई ये, होटल में सोहन को नहीं लाऊंगा मस्जिद से, ठीक है हैं, हाँ तो थैली में लगा लेते हैं ना, बीच पे ही मजा आएगा। चलो वही, अरे हाँ सही बात है भाई, बीच पे भरते हैं पिचकारी को। थैंक यू, बाय बाय। सही कह रहा है सोहन भाई, बीच पे पानी भरते हैं। नहीं यार पर दिक्कत है ना, मिट्टी घुस जाएगी बीच पे, तो खाली पानी थोड़ी है वहाँ, तो मिट्टी वाला पानी है वहाँ, दिक्कत है। पाउच कहाँ है? ओके थैंक यू। इसका टेलीस्कोप रह गया भाई, इसमें टैंक है, ये शायद पानी भरता होगा। पाउच रख लिया ना, चलो। काफ़ी सारी जगह है भाई यहाँ पे देखो शॉपिंग करने के लिए, मतलब आप प्रॉपर कर सकते हो। और एक बहुत बड़ा मॉल या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी है पटाया में, वहाँ भी जा सकते हो। अच्छा पटाया बोलते हैं, पत्तिया बोलते हैं, जो भी बोलते हैं भाई, समझ आना चाहिए ना प्रोनाउंसिएशन में क्या रखा है इतना कुछ। और दूसरी चीज़ भाई, पटाया के आसपास और पटाया में भी काफ़ी सारे बीचेज़ हैं। अभी हम सबसे पास वाले बीच में जा रहे हैं जो सबसे फेमस भी है यहाँ का, पटाया बीच। ऑब्वियसली वहाँ भीड़ भी सबसे ज़्यादा ही होगी, तो मैंने कहा पैदल पैदल है,
600-700 मीटर अपना निकल लेंगे। ओ भाई पानी पूरी मिल रही है, वड़ा पाव, इडली सांभर, देख रहे हो, मतलब इंडियंस के मतलब का पूरा जुगाड़ हो रखा है यहाँ पे, किसी चीज की कमी नहीं है, मिनी इंडिया बन गया ये समझ लो आप। ये यहाँ का चौराहा है भाई, देख सकते हो आप, अभी तो ट्रैफिक वगैरह इतना ज्यादा नहीं लग रहा, बस नॉर्मल ही है ग्रीन लाइट रेड लाइट की वजह से, वैसे शाम के टाइम काफी भीड़ हो जाती है इधर। मसाज सेंटर्स तो भाई बहुत सारे हैं यहाँ पे, आपको पता ही है थाईलैंड तो फेमस है अपनी मसाज के लिए, बट यहाँ पे ना एक बहुत फेमस मसाज है, फिश मसाज। तो अभी 1-1.5 साल पहले की बात है, कोई शायद से अमेरिकन लड़की थी, उसने फिश मसाज करवाई थी भाई, और जब वो वापस लौटी ना उसके पैर में इतना इन्फेक्शन हो गया था जिसकी वजह से उसका पैर ही काटना पड़ा। वो थाईलैंड का ही किस्सा है ये। हुआ क्या होगा एक्चुअल में, ये पानी तो साफ करते नहीं है फिश मसाज वाला, तो उनसे पहले जो बंदा आया होगा उसके पैर में इन्फेक्शन होगा, वो इन्फेक्शन फिशेज ने खाया, फिर फिशेज ने उसका पैर खाया और उससे इन्फेक्शन हो गया। सोचो भाई टांग कटवानी पड़ गई, तो मैं तो नहीं करवा रहा भाई, अपना नॉर्मल मसाज करवा लो ठीक है, फिश मसाज वगैरह नहीं। तो ये है जी यहाँ का मैकडोनल्ड्स, और इसी के जस्ट सामने आप देखोगे ये है बीच की एंट्री। तो लेट्स गो भाई, काफ़ी सारी स्पीड बोट्स वगैरह भी हैं यहाँ पे देखो। भाई साहब देख रहे हो खेकड़ा मरा पड़ा है यहाँ पे, तो वो जिंदा है, मरा हुआ है, मरा हुआ है भाई। मेरी बहुत फटती है ये पानी वाले जीवों से ना, अजीब अजीब से। तो यहाँ पर एक कोई ना ही नहीं रहा, पता नहीं क्या है भाई। फिर तो अंदर भी होंगे ये। कहाँ? हाँ होंगे भाई साहब, तुम जाओगे और नीचे से कच पूरा पैर तुम्हारा गायब। चलो हम ही शुरुआत करते हैं भाई, और तो कोई ना नहीं रहा, घुस जाते हैं। देखना भाई बीच पे ये लोग करते हैं ना, बियर की बोतलें फेंक रखी है, ये बड़ा बुरा लगता है। वहाँ देखो आगे भी कूड़ा उड़ा फेंक रखा है, ये देख लो भाई क्या होगा, दुनिया का समझ नहीं आता। मतलब लोग ऐसे ट्रीट करते हैं जगहों को जैसे कभी जिंदगी में उन्हें आना ही नहीं है, या कोई और नहीं आएगा यहाँ पे, कोई ना आए फ्यूचर में तब तो समझो भी कि भाई गंद मचा के जा रहे हो, कोई यूज़ नहीं करेगा आज के बाद। लेकिन हम और भी लोग यूज़ करने आ रहे हो फिर भी गंद मचा रहे हैं। ये सोहन ही है, बदतमीजी नहीं सोहन मेरे सामने बिल्कुल भी। चलो बैठते हैं अपना बसेरा बनाते हैं। चलो भाई चलो फिर चला जाए, थोड़ी धूप भी कम हो गई है, सूरज देवता बस जाने ही वाले हैं 1 घंटे में मैक्स, तो अपन भी मतलब गर्मी कम हो गई है तो मज़ा कर सकते हैं अब हम। यहाँ पे हमने अपना बेस बना लिया भाई, पिचकारी में पानी भरेंगे तो सही, बट थोड़ा डर लग रहा है कि मिट्टी वाला पानी ना उठा ले पिचकारी, और वो उठा लिया तो दिक्कत है। पहले चेक करेंगे पानी फिर। चलो फिर ज़्यादा गहरा जाना पड़ेगा, वहाँ नहीं होगी मिट्टी, ये किनारे पे ज़्यादा है। सही में भाई वैसे केकड़ा आ गया अगर वो तो फट तो रही है मेरी। हाँ आ जाओ आ जाओ जल्दी आ जाओ फटाफट, कुछ भी कहो भाई, जो लहरों की शांति कह रहा हूँ, आवाज़ें आती है ना किनारे पे, मज़ेदार भाई, मज़ा आ जाता है ज़िंदगी का सुन के। अबे बहुत चुभ रही है नीचे वो तेरी, लेट्स गो। दूर दूर तक भाई बस पानी ही पानी है, एंड बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हो। तो ये माइक और फ़ोन मैं ज़्यादा अंदर ले जा नहीं सकता, मेरा फ़ोन ले आना, क्योंकि माइक वाटर प्रूफ नहीं है, फ़ोन तो वाटर प्रूफ है, बट माइक ख़राब हो जाएगा, तो बेटर है माइक रख देता हूँ, दूसरा फ़ोन ले आता हूँ बस। माइक है ना, सोनिका आ गई है, और सोनिका क्या हालचाल, बढ़िया सोनिका। इतनी सारी बोट्स है भाई, स्पीड वाली भी है नॉर्मल वाली भी है, ये देखना, ओहो हो भाई क्रेज। अरे पैराग्लाइडिंग भी हो रही है, ये शायद पैरा सेलिंग हो रही है, ग्लाइडिंग नहीं, ये शिप से बोट से बांध के पीछे खुद मतलब खींच रहे हैं। और इधर की साइड देखो भाई, ऊँची ऊँची बिल्डिंग्स एंड जेट स्की भी है, पर वही बात है भाई मेरे को तो डर लगता है थोड़ा पानी से, इसलिए मैं जेट स्की वगैरह ये वाटर एक्टिविटीज़ करता नहीं हूँ। एक बार मन बनाया था स्कूबा डाइविंग करने का बाली में, लेकिन किस्मत ऐसी फूटी थी या अच्छी थी कुछ भी कह लो कि हो ही नहीं पाई उस दिन, वहाँ पे स्कूबा डाइविंग बंद था वो। बाकी मेरे को वैसे डर बहुत लगता है क्योंकि स्विमिंग नहीं आती ना। आती है तुम्हें स्विमिंग? आती है? नहीं आती ना। चलो फिर आज तुम्हें मैं घुमा के ले आता हूँ। देखो वो सीधा चलते जाओगे ना वहाँ पे इंडिया आ जाएगा, वो तुम्हें घुमा के लाऊँ, इंडिया घुमा के लाऊंगा। अरे देशभक्त क्या बात है, अभी देखना केकड़ा ना काट दे। ज्यादा गहरे पे आ गए भाई, घुटनों से ऊपर पानी जा चुका है। एक मछली पानी में गई, पर ये तो मगरमच्छ। एकदम से लहर आती है ना भाई साहब, पूरा प्रेशर पड़ता है। अभी तो तेज हुई नहीं है, थोड़ी 6-6:30 बजे और तेज हो जाएगी, और पीछे ध्यान देते रहना पड़ेगा भाई, बैग पड़ा ना, कभी भी कोई लेकर भाग सकता है। देख रहे हो गुलाल लगा लो। एप्पल वालों ने ये तो अच्छी चीज करी, चलो वाटर प्रूफ फोन बना दिए, वाटर रेजिस्टेंट या जो भी है, कम से कम मजे कर सकते हैं। लेट्स गो भाई, होए होए, एक बार मुंह में डाल लो पानी, फिर देखना क्या टेस्ट आए। पानी पी लो गाइस। हेलो गाइस, पानी पी लो पानी। उसने तो कहा था भर जाएगा डायरेक्ट डालने पे, भरी ना रहा। ना भर रहा भाई ये तो।
अच्छा ऐसा तो नहीं, ये उतार के कह रहा था वो। टीना चली जाए, डरना उसी का है, कहीं फेस्टिवल से पहले ही खराब हो जाए। अरे खराब ना कर दो आप ऐसा पूरा करके इसको है? पानी में डाल रहे हो ना आप। रुको एक बार, इसको नीचे वाले को खोलना। बदतमीज हो रहे हो पूरे हैं यार। कुछ तो तरीका था खोलने, नीचे का खुलने वाला होगा यार। ये पक्का कुछ ना कुछ बटन तो है कहीं ना कहीं मोड चेंज करने का। देखो अगर बैटरी खत्म हो जाए तो हाथ से भी चलती है। मेरी आंखों में गिर गया, आंखें जल रही है। हाँ यार वैसे ये नमक वाला पानी है तो आंखों में नहीं डालना चाहिए। प्रेशर कैसा है? तेज है? तेज नहीं है, नॉर्मल है। आओ पास से आओ। देखते कितनी दूर जाता है। ज्यादा दूर नहीं है। जो मैंने इंस्टाग्राम पे देखी थी ना भाई, वो थी क्रेजी लेवल, उसमें आता था मजा। अरे मेरे आंखों में जा रहा है, मेरी आंखों में जा रहा है। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे माइक लगा हुआ है। अच्छा तो देखो ये वाला टैंक भरना पड़ता है, उससे क्या ऑटोमेटिक इस वाले में आ जाता है। चलो बैठ जाओ। जैसे ये हम दबाते हैं इसके लिए, अटैक के लिए इसको ओपोजिट करना है यूं, जैसे मतलब ये वाला दबाना है आपको। अभी देखना ये टैंक खाली है ना, मैं इसको करूंगा। अब ये फिल होने लग गया भाई पूरा, अभी देखना पूरा फुल हो जाएगा। तो अब वो खोल के भरना नहीं पड़ेगा जो मैं भर रहा था ना, ये देखो अब ये फुल होने के बाद ऊपर से पिचकारी मार रहा है। तो मैं इसे बंद ही कर देता हूँ। चलो जी अब फुल हो गया और फिर अटैक। ये दुनिया बहुत पापी है, मैं वापस जा रहा हूँ। कब्जा कर लिया था क्या? कमेंट करके बताओ इस पे कब्जा कर लूं क्या? ये कौन सी चाय है? कौन चाय पता नहीं, कौन सी चाय भाई। मैं कोई बड़ी सी लहर का वेट कर रहा हूं जो मुझे सात समुंदर पार ले जाए यहां से, क्योंकि यूएस वाले वीजा तो दे नहीं रहे। मैंने सोचा फिर ऐसे पानी नहीं भाई, मैं डरता हूं मैं पानी से, ज्यादा बड़ी लहर नहीं आनी चाहिए, कहीं लहर के साथ मैं भी लहर लहर हो जाऊं। कोई और आएगी क्या? कुछ और क्या? गेस करो। गेस तो वो आपने देखा होगा जेट की के पीछे बांध के ऐसे खींच गया, तो हमारे पास उतना तो बजट है नहीं, तो हम ही सोच रहे एक दूसरे के जेट की बन जाए। चलो भाई पहले तुम लेटो, मैं हाथ पकड़ के खींचूंगा। उल्टे लेटो, हाँ मेरी तरफ सर, सर मेरी तरफ, मेरी तरफ, अरे सर इधर करो ना। हाँ चलो आंख बंद कर लो, ये देखो। अरे ना मजा प्री जेट की का देख रहे हो बेटे, अब तुम्हें एक्सट्रीम वाली जेट की दिखाऊंगा। चलो करो लेटो, दो लेटो, इसमें क्या तुम्हें मसाज भी मिलेगी रगड़ती हुई। थ्री टू वन। आया मजा, कुछ भी नहीं हुआ तगड़ा। मेरा तो हो गया था पहले ही, तुमसे पहले मैंने करवाया। चलो भाई होटल जाने का समय आ गया, चलते अब चलते हैं बस। भाई 7 बज गए, कब 1.5-2 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला, मजे करते करते और यहाँ लाइव म्यूजिक चल रहा है। इंडियन रेस्टोरेंट्स का क्या आलम है देख लो भाई, सामने है शर्मा जी प्योर वेज,
फिर उसके बाद एक और इंडियन रेस्टोरेंट है, यहाँ पे देख लो भाई महाराजा इंडियन रेस्टोरेंट, आगे देखोगे तो दो तीन वहाँ भी दिख रहे हैं लाइन से, वो भी भाई सही में बहुत सारे रेस्टोरेंट है भाई भर भर के। मतलब जब मैं 2019 में आया था ना पटाया, उस टाइम पे इतने इंडियन रेस्टोरेंट नहीं थे, पर इतने नहीं थे जितने अब हो गए, अब बहुत ज्यादा। आपको कहीं भी जाना हो ना सिटी में तो इस तरह के टुक टुक चलते हैं यहाँ पे, इनको पिकअप ट्रक को ही कन्वर्ट कर रखा है ऐसे पब्लिक टैक्सी की तरह, तो शेयरिंग वाले होते हैं, सस्ता पड़ता है। पहले तो पता नहीं 15-20 भात लेते थे, आपका आइडिया नहीं है मुझे। एंड ये रही भाई यहाँ की वॉकिंग स्ट्रीट, वर्ल्ड फेमस वॉकिंग स्ट्रीट। अरे गाड़ी वाले भाई साहब, यहाँ से एंट्रेंस है भाई और आगे तक जाती है पूरी, बट इसमें आज नहीं जाएंगे भाई, हम का टूर दूंगा आपको मैं कल, क्योंकि कल हमें कोरल आइलैंड जाना है और वॉकिंग स्ट्रीट जाना है, तो दोनों एक ही दिन में कवर करेंगे आज, वरना बहुत लंबा हो जाएगा आप लोग। एंड सेम यही देख लो भाई धूम, साथ में इसके है क्या नाम है इसका, इंडियन समर रेस्टोरेंट, यहाँ पे मिल रही है भाई 100 बात की कोरियन आइसक्रीम। ये अब इंडिया में भी आ गई है सीपी में, बट हम तो अपना फेवरेट मैंगो शेक, 60 बात का है और 80 बात का है मैंगो। आ जाओ तो जी, 2 गिलास मैंगो शेक आया, 160 था भाई। ये 1 क्या लिखा है, 2 मैंगो स्मूदी तो मांगी थी खाली, और उसका पैसे नहीं लगा, अब तो पता नहीं 160 था ही बात लिया, पता नहीं इतना पतला पतला सा कर देते है पानी सा मिला के, मीठा भी कम हो जाता है यहाँ पे। तो भाई यहाँ पे शूटिंग वाला है, एयर गन है इनके पास, पिस्टल वाली है 100 वाट में 15 शॉट्स, और वो है राइफल ये जो है 200 वाट में 50 शॉट्स, ऑटोमेटिक है भाई पूरी। लेट्स सी देखते हैं कैसा। वॉकिंग स्ट्रीट पे ही हम, वीडियो नहीं बना रहे, वैसे ही जा रहे थे यहाँ से, तो वो भाई साहब भारी है लगा ना। तो में भाई रियल मैन वाली फील होती है पूरी पूरी, मतलब वेट वाइज भी और वैसे ही। ओ भाई साहब एकदम से, अब करना नहीं लग रही, हाँ लग रही है, लग रही लग का रही है ये रही ना, इस पर लग रही है, हाँ थोड़ा उठा कर, आप तो ऐसे ही उछाल रहे हो। देखते हैं भाई कितने लगे हैं, ये कागज भी देखते हैं हमें, ये देख लो भाई पूरा लोअर बॉडी खत्म कर दी, सर पे एक भी टोट नहीं लगा। चलो ये रख लेते, दे दिए पैसे, ओके थैंक यू भाई। बीच पे लेकर गए थे मेरा iPhone 15 Pro Max, तो सही चल रहा था, रात को चार्जिंग हो गई इसकी 1%, चार्ज पे लगा के देखा तो भाई चार्ज ही नहीं हो रहा, लिखा रहा है कि पानी है इसके जो सॉकेट है तो सूखने दो फिर चार्ज होगा। तो अब इससे फोन से ड्रायर मंगवाया किसी तरह भाई, क्योंकि इस फोन के बिना तो काम चलेगा नहीं, सारा कुछ डेटा इसी में है, ब्लॉग व्लॉग कैसे आएंगे वरना। तो सुखाया जा रहा है इसका पोर्ट, होपफुली सूखने के बाद सही हो जाए भाई, ये बहुत लड़का ना पानी में लेकर गया इसको दूर दूर। वैसे तो चावल में भी डाल के रख सकते हैं हम इसको, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैंने सोचा ड्रायर से ही कर देते हैं। चलो जी फाइनली जाके जो है फोन चार्ज होने लग गया है, अब वो नोटिफिकेशन नहीं आ रही पानी वाली, तो बढ़िया। चलो लो भाई ये वापिस आ गया, लिक्विड डिटेक्टेड, दिस मे टेक सेवरल आवर्स, 1% बैटरी ओनली, अब निकाल ही देता हूँ भाई, कहीं फोन फूक फाक जाए फालतू में। तो नेक्स्ट डे की सुबह है, मेरा ये वाला फोन तो सही हो गया अब सुबह, इसमें कोई नोटिफिकेशन नहीं दिखा रहा, चार्जिंग भी हो रही है, बट अभी अभी मुझे पता चला मेरा जो ये दूसरे वाला iPhone 15 है जिससे हम शूट करते हैं, इसमें भी पानी गया हुआ है, अब ये भी चार्ज नहीं हो रहा, तो मैंने जुगाड़ लगा के भाई इसको इस तरह से रख दिया और इसको कर देते हैं भाई ऑन। अब ये हवा अंदर जाती रहेगी और थोड़ी देर में सूख जाना चाहिए हमारे निकलने से पहले। भाई खत्म करते हैं भाई इस वाले ब्लॉग को, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना कुछ, बाय।